हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उपराज्यपाल के आवास पर सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य जो पार्टियां हैं वो शामिल हुई हैं। क्या रहा है बैठक में? हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी। अनिल जी, आप लोग पहुंचे, सर्वदलीय बैठक हुई, करीबन दो घंटे तक बैठक चली, नतीजा क्या निकला, क्या रहा? देखिए, काफी बिंदुओं पर हमने लिखित रूप में भी सुझाव दिए और वही बातें मैंने अंदर भी कही। खासतौर से देखिए, जो पूरा विश्व इस संक्रमण से जूझ रहा है, तो हमने एक उदाहरण दिया कि सर, जहां पूरा विश्व संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि इसकी संक्रमण की जांच होनी आवश्यक है। उसको मरीज को एक तरह से डायरेक्ट, मतलब एक तरह से आपको जो है ढूंढना है, आपको इनकी जांच पड़ताल करनी है, तो आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और उसके बजाय आप उनकी संख्या घटा रहे हैं टेस्टिंग की। ये उदाहरण हमने दिया जो उन्होंने स्वीकार किया है। दूसरा, हमने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान या कहीं पेशेंट पाया जाता था तो उनको आप सीधे क्वारंटाइन करते थे, घर में लॉक करते। तो सवाल इस बात का है, यदि आपने उनको बंद कर दिया, कॉलोनी को बंद कर दिया, मोहल्ले को बंद कर दिया, इस लॉकडाउन में इनके रोजगार चला गया, व्यापार चला गया, तो हमने 10,000 रुपए की मांग की। सरकार की जिम्मेवारी बनती कि उस पर आर्थिक बोझ, उनकी जो परेशानियां हैं राशन की, खाने की, वो सरकार उनको तुरंत मुहैया कराए। डीएम के पास डेटा है, कौन सा मोहल्ला हमने सील किया है, कौन सी कॉलोनी सील की है, तो एक लोगों के अंदर खाना नहीं है, पानी नहीं है, उनके पास राशन नहीं है, ऐसी स्थिति में सरकार मदद करे। दूसरा, बेड्स को लेकर के जिस तरह से गुमराह करने वाले बयान लगातार मुख्यमंत्री जी के अपने बयानों में विरोधाभास था, तो हमने कहा कि सच्चाई को आप जाहिर करिए। आपका ऐप जो आपने प्रस्तुत किया था, उसमें खामियां थी, उन्होंने स्वीकार किया। वहां पे चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, हेल्थ सेक्रेटरी साहब भी थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इनको हम दुरुस्त करेंगे। कई सुझाव हमने दिए कि आप प्लीज एम्बुलेंस वाले सिस्टम को ठीक करें, आप हॉस्पिटल के बाहर बड़ा डिस्प्ले लगाएं, जिससे कि स्थिति का क्लियर मैसेज रहे कितने बेड्स किस हॉस्पिटल में खाली है, बजाय इसके कि मरीज को लेकर के उधर बदर भटकता रहे इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल। नतीजा क्या निकला, क्योंकि दो घंटे की बैठक चली है, क्योंकि अभी तक आरोप प्रत्यारोप ज्यादा चल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता चाहती है कि कुछ सॉल्यूशन हो, क्या कुछ सॉल्यूशन में निकला? देखिए, उन्होंने गंभीरता से सुना है, बाकी तो सॉल्यूशन पे वो निर्णय लेंगे। दो तीन चीजों पर जरूर उन्होंने राय मांगी, जिस तरह से बड़े मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह की मेट्रो पे, तो उस पर राय दी। लेकिन हमने ये भी कहा है ये कि इनको खोला जाए, अभी नहीं खोला जाए, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, तो चिंतित हैं, सरकार चिंतित है, लेकिन हमने ये कहा है कि आप यदि इनको नहीं खोल रहे हैं प्लीज, तो इन पे जो फिक्स चार्जेज हैं, रेस्टोरेंट वाले इंडस्ट्री पहली परेशान है, उस पर प्राइवेट जो बिजली की कंपनियां हैं बड़े बड़े, उनसे फिक्स चार्ज के नाम पे कमर्शियल मीटर पे चार्ज कर रही हैं, उसको उन्होंने अभी तक तो ओवरली हमसे हामी भी मानी है और इसको स्वीकार किया, इस परेशानी को। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड की भी जो चर्चा की थी, जो सुबह स्वास्थ्य मंत्री ने, हालांकि बाद में जो है ये कहा कि केंद्रीय जो अधिकारी थे उन्होंने मना भी किया है, लेकिन क्या ऐसा भी कुछ चर्चा शुरू हुई है कि क्या दिल्ली में फिर से एक बार लॉकडाउन की स्थिति, क्योंकि अनलॉक अभी हो गया है, क्या कहीं ऐसी भी चर्चा? नहीं, उन्होंने ये नहीं, लेकिन ये जरूर कहा है कि भाई जो खुला है उसके बारे में क्या कहना है, तो सब ने अपना अपना ऑल पार्टी मीटिंग थी, तो अपने अपनी राय रखी है, क्योंकि देखिए खुल तो सब कुछ ही गया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो सवाल थे वो स्कूल और मॉल्स को लेकर के थे, जिसपे हमने अपनी राय दी है, और रेस्टोरेंट को लेकर के थे, मेट्रो को लेकर के थे, तो ये सवाल थे जिसपे वो राय जानना चाहते थे। उसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं जिन पे बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, उन पे भी उन्होंने फीडबैक लिया बड़ी गंभीरता के साथ और उनको सुना है, तो उम्मीद है उस पर जरूर निर्णय लेंगे। यानी साफ तौर पर करीबन दो घंटे तक ये बैठक चली है, बैठक के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और जिनको गंभीरता से सुना गया है, लेकिन खुद उपराज्यपाल ने जानना चाहा है कि क्या स्कूल खोलने को लेकर के अब जो है क्या आगे बढ़ा जा सकता है, ये जो मॉल्स खोले गए, मंदिर खोले गए, इनको लेकर के क्या विचार है। तो अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो उपराज्यपाल करेंगे, क्योंकि वो जो है ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, अथॉरिटी है, उसके चेयरपर्सन है, लेकिन सभी जो पार्टियों से सलाह मशवरा करने के बाद में अब कोई जो फैसला लिया जा सकता है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।